और आज हमारे साथ दो दो सुपरस्टार गायिका हैं, सॉरी एक गायिका हैं और एक गायक हैं बहुत फेमस सॉरी अमित जी, कैसे हैं आप? हम तो बहुत अच्छे हैं, और जितने भी दो लोग देख रहे हैं BN न्यूज़, उनको पहले शुक्रिया अदा करता हूं, और हमारे प्रिंस बाबू का जन्मदिन है, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। हम तमाम कलाकार आए हैं उनको शुभकामनाएं देने के लिए, सोहर गाने के लिए, और सोहर सुनाएंगे हमारी प्यारी गायिका निशा जी। बहुत क्यूट लग रही हैं, आप लोग देख सकते हैं, क्या और बहुत अच्छा गाती हैं, और दिल की बहुत ज़्यादा क्यूट है। कैसी है निशा उपाध्याय? फिलहाल थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन दुआ आशीर्वाद है हमारे जितने भी दर्शक हैं, भगवान रूपी जनता जनार्दन है, सबका आशीर्वाद प्यार है, ठीक हो। आपके हाथ में चोट लगी हुई है? हाँ, वो मोच आ गई है थोड़ा सा, बस। फिर भी गाने के लिए आए हैं? मेन है प्रेम है, ये सबसे बड़ी बात, मोहब्बत है सारे कलाकार से, एक बार मिलने का मौका मिलता है यही, तो बस इसी के लिए आए हुए हैं। दो लाइन कोई गाना हो ही जाए, क्योंकि जब आप स्टेज पे गाती हैं तो पब्लिक में बवाल मच जाता है। अच्छा, बिल्कुल। कि करता रू ट्रेंड रोज इंस्टा पर आई, बारू बवाल करत वीडियो बनाई, कि गई लोलो भाई कितना जिलावा प, कि गई लोलो भाई कितना जिलावा प, कि अरे नाचे लगलू जहिया सरिलवा प, बस गईलू के तानन के दिलावा प, कि अरे नाचे लगलू जहिया सरिलवा प, बस गईलू के तानन के दिलावा प। ये मेरे अपने चैनल का गाना है। क्या बात है, बहुत अच्छा गाई। अच्छा, एक गाना अभी आपने तो सुना ही होगा, पुदीना गाना। बिल्कुल सुने हैं, बिल्कुल। पवन सिंह जी का है, पावर स्टार पवन सिंह जी का। अभी आज थोड़ा देर पहले पवन सिंह जी के इंस्टाग्राम फेसबुक से ऑफिशियल से एक पोस्टर रिलीज होता है, जिस पोस्टर का नाम होता है पुदीना है हसीना 2.0, जिसको पुदीना में अनुपमा यादव जी गाई थी, पर इसमें अनुपमा यादव जी नहीं नज़र आ रही है, क्या बात है? अब ये तो मैं कैसे बताऊँ, पहली बात तो मैं अभी पोस्टर देखी भी नहीं हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 1 वीक से मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, और थोड़ा सा मेरे कारण कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, बाकी जितने लोग हैं सबको पता है, तो मैं अभी देखी तो नहीं हूँ, और खासकर ये बात है तो पवन जी ही बता सकते हैं, क्योंकि भोजपुरी के तो बादशाह हमारे वही हैं, और कब क्या करेंगे ये तो फिर वही बता सकते हैं, हम लोग कैसे बताएं। अभी हाल ही में अनुपमा यादव जी का मैं इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि मैं उस गाने को रिकॉर्ड किया हूँ तो प्रियांशु सिंह जी के स्टूडियो में, फिर भी उस गाने में बाद में बदलकर शिल्पी राज जी को गवा दिया गया। ओह, अब तो फिर आएगा तभी देखा जाएगा कि क्या हुआ है, ऐसे अभी फिलहाल तो इस पर हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते हैं। अच्छा, क्या लगता है ये गाना हिट करेगा पुदीना जैसे पहला जो 1 किया था, ये 2 भी वैसा ही करेगा? हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि भोजपुरी कलाकार हैं हमारे जितने भी जनता जनार्दन है, और जितने भी हमारे भोजपुरिया कलाकार हैं, चाहे अनुपमा जी हो, चाहे शिल्पी हो जी हो, चाहे पवन जी हो, चाहे जितने भी हमारे स्टार कलाकार हैं, चाहे जितने भी भोजपुरी में छोटे बड़े से भी, क्योंकि कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता, सब हम कलाकार, सब कलाकार हैं एक जैसे, हम सबका प्यार मोहब्बत है, तो सबका गाना बजना चाहिए, और बजेगा ही, पवन जी का गाना है तो फाइनली है कि बजेगा ही, ये भी कुछ रिकॉर्ड तोड़ेगा। क्या बात है, सब स्टे, अभी अनुपमा जी का लगातार पवन सिंह जी के साथ गाना आया, खेसारी जी के साथ आया, निशा उपाध्याय जी भी नजर आएंगी कभी बड़े कलाकारों के साथ गाना गाते हुए? अभी तो कुछ सोचा नहीं है, क्योंकि अभी तक तो मैं जो भी हूँ, जितना भी हूँ, अपने भगवान रूपी जनता, ऐसा सब कलाकार अपने यही जनता के साथ ही है, क्योंकि ये जनता ही है जिसको जीरो से हीरो बनाती है, और अभी फिलहाल हमें जितना है, मैंने कभी ड्यूट तो गाया नहीं है, आप लोग देखते ही हैं, नहीं गाती हूँ, फिर भी भगवान रूपी जनता जनार्दन मुझसे बहुत प्यार करती है, और भोजपुरी में सबसे ज़्यादा आप लोगों ने मुझे फॉलो किया है, 11 मिलियन फॉलोअर्स हमारे फेसबुक पेज पर, और जितना चाहिए उतना मुझे मिल जाता है, जितना चाहिए मैं उतना कमा लेती हूँ, और जितना चाहिए मुझे उतना इज्जत रिस्पेक्ट मिल जाता है, तो ज़्यादा कि मुझे चाहत उतना नहीं है कि मुझे बहुत बड़ा स्टार बनना है या सुपर स्टार बनना है, 10 लोग ही जाने रिस्पेक्ट से नाम ले कि निशा जी करके बुलाए, तो मुझे बहुत खुशी होती है, और आगे ऐसी चाहत होगी तो जनता जनार्दन की चाहत होगी तो जरूर कोशिश करूंगी। क्या बात है, अभी हमारे साथ अमित सिंह जी भी हैं, बहुत अच्छा गाता है, मैं चाहता हूं कि निशा उपाध्याय जी को इम्प्रेस करने के लिए कोई प्यारा सा कोई अच्छा गाना गाते हैं, बहुत अच्छा, जिसका जवाब नहीं है, कोई प्यारा सा गाना इनके लिए हो जाए। इनके लिए मैं बस एक ही शब्द कहता हूं, और जहां भी हर स्टेज पे भी देखते होंगे हमारा जी, नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, हाँ इधर देख के सिर्फ तुम
इनके लिए मैं गाता हूँ। हाँ। इसका रिप्लाई में निशा उपाध्याय जी कुछ देंगी इनको। कि चाहा है तुमको चाहेंगे हरदम, आप लोग भी है ये तो है ही, हम लोग को रोज मिलते हैं, हम लोग कलाकार है, हर मंच पे हम लोग की साझा हो जाती है ना जी। आप लोग से बड़ी कम मुलाकात होती है और ऐसे भी मैं थोड़ा इंटरव्यू कम देती हूँ, और आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित है और आप लोग आए तो फिर मैं आज दे भी रही हूँ। कि चाहा है तुझको चाहेंगे हरदम, मर के भी दिल से ये प्यार ना होगा कम, कि तेरी याद जो आती है आ गई मेरे आंसू बहते हैं अपना ये मिलन होगा, क्या बात पल पल ये कहते हैं लव यू, क्या ये जिंदगानी है बस तेरी कहानी है, क्या ये जिंदगानी है बस हमारी कहानी है। क्या बात है, बहुत प्यारा लगा। आप दोनों का जोड़ी भी बहुत पसंद किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, और हम लोग हमेशा एक अच्छे दोस्त है और कलाकार तो है ही, हम लोग खासकर एक अच्छे दोस्त है, और जब दोस्ती की बॉन्डिंग बनी रहती है क्योंकि कलाकार में एक दूसरे से सुनने में आता है, हमारी तो कभी किसी से ऐसी जलन वाली भावना है नहीं हम लोगों का ना जी, कभी किसी से भी, हाँ किसी से भी मेरा कभी नहीं है, मेरा सबसे बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है। निशा जी के लिए एक मैं स्पेशल चीज़ कहना चाहता हूँ, इनका कोई दुश्मन नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है आज के दिन में। अगर कोई इंसान आपके लिए बुरा नहीं कह रहा है तो आप स्टार हैं। क्या बात है, शी इज रियल स्टार। जाते जाते अपने फैन से क्या कुछ कहना चाहती हैं? बस फैन से यही चाहेंगे कि आप लोग जैसे प्यार आशीर्वाद हमें देते हैं वैसे ही देते रहिए, और अपने निशा से और या अमित जी से कोई भी त्रुटि हो गाने के समय में, होता है कलाकार है और क्या बोलते हैं चमड़ा का जुबान कभी कभी फिसल जाती है, नो डाउट हम भी इंसान ही है जैसे आप हैं वैसे ही, बस थोड़ी सी हम लोगों में डिफरेंट है कि हम लोगों के पास थोड़ा सा माता रानी सरस्वती माँ है हम लोग की आवाज़ में, तो कभी कोई त्रुटि हो या कभी कोई दिक्कत हो तो उसके लिए आप लोग से क्षमा प्रार्थी हैं, हम लोग ऐसे ही हम लोग को माफ़ करते रहिए और प्यार करते रहिए बस।